बार जावे ना जावे जी, गल है कि साढ़ा करोड़ा रुपया पंजाब दा इंडिया दा, मैं कल हरियाणा से ईवन हरियाणा दे विच भी शॉकिंग आ के पंजाब वांगू एक उत्थे भी दौड़ लगी हुई है जी बच्चों की बाहर जाण दी। बहुत चंगे लोग जिहड़े चंगी रोटी इत्थे खांदे वधिया सैटल ने वह भी बच्चे बाहर जाना जी, है ना जी। वह बच्चे खास तौर पर जिहड़े 16-16 साल हुण जा रहे प्लस टू तो बाद सारे कॉलेज साढ़े इत्थे खाली हो रहे है, स्टूडेंट नहीं मिल रहे कॉलेजों नूं, पर उत्थे की जाके किस तरह रह रहे की फेस कर रहे हैं। सो बच्चे जाके उत्थे उन्होंने चैलेंजेस की मानसिक परेशानियां दे विचों बच्चे लंघ रहे हैं। एक 16 साल का बच्चा एक नवे शहर च जाके उत्थे उलझ जाता, उत्थे तो हुण सारा इत्थे एक रोटी चुक के सिर बुरकी मूंह च पाउणी है, बाकी सब कुछ घर दे सब कुछ आला दुआला तुहाडा कर रहा है, उत्थे जाके बिल्कुल तुसीं अपने आप चो सब कुछ आप करना। तो बच्चे कई बहुत गलत पैथ भी लै रहे हैं जी, तो मैनूं लगता कि गल्लां असी उपदेश नहीं देना कि तुसीं कित्थे जो जी करदा सारा करो तुसीं, पर थोड़ा जिहा असीं एक लोकां नूं कितना कितने वो गल नूं छोह दा सकदे हां ना, कोई ऐसी उन्होंने बच्चे जिहड़ी पनीरी ने इत्थों जाना जिन्हां मापिआं ने भेजणे आ कि थोड़ा जिहा असलीयत दे नेड़ता आईए ना। जे रोमांस जफिया के पपिया ले गया तो फिर रिस्पांस मैं तो रोमांस मानता नहीं। असीं तां गाणी सारी उम्र अखां ते गाउंदे मर गए वी गल ही अख नाल अख बस सही तरीके नाल लड़ जाए गल खत्म है। चल बड़ी मेहरबानी जी तुहाडी, थैंक यू सो मच, और तुहाडी मेहरबानी मैं जिथे जिथे गया मेरी फिल्म की सुरखी घट बनी ते भगवंत मान मुख्यमंत्री की सुरखी वध बनी। वीर भजन मान ने की कहा तुहाडा धन्नवाद, तुसीं इस बारे सवाल कोई नहीं पुछिआ जी। वीह साल पहला पंजाबी सिनेमे की कोई खास पहचान नहीं सी, कोई विरलियां फिल्म आउंदियां सी, कोई साल दो साल बाद एक अद्धी फिल्म आउंदी सी। उस वक्त बॉलीवुड तो बहुत बड़ा उत्थे सत्कारत कैमरामैन मनमोहन सिंह, हरभजन मान, बाबू सिंह मान, बलदेव गिल, ये टीम ने बीड़ा चुकिया ते फिल्म बनाई जी आयां नूं। जी आयां नूं पंजाबी दर्शकां ने भी दिल खोल के जी आयां नूं आख्या, उस तो बाद लड़ाई लगातार जारी रही। असां नूं मान वतनां दा दिल अपना पंजाबी मिट्टी वाजा मारदी मेरा पिंड माई हो, जिहड़ा अज तों 20 साल पहला मनमोहन सिंह, बाबू सिंह मान, असीं सारी उह टीम ने एक सुपना लिया सी, अज सानूं बड़ा माण है कि वह एक इंडस्ट्री बन गई है ते अज उहदे च कम से कम 5-7-10 हज़ार बंदा कम कर रहा उस इंडस्ट्री दे विच। बहुत अज वड्डियां वड्डियां फिल्मां नूं हिंदी दीयां फिल्मां नूं असीं कंपीटीशन दे रहे हां, चाहे वह ओवरसीज दे विच है चाहे इत्थे साडे पंजाब विच है। एक बार फिर काफ़ी अरसे तो मनमोहन जी और मैं कट्ठे ने कोई फिल्म नहीं सी बनाई, तो अजकल थोड़ा सारा जरा फैन फॉलोइंग है चाहन वाले है सोशल मीडिया के जरिए सीधे सब थोड़े न जुड़े हुए है, तो काफ़ी दिल तो सब के मन च रीत सी असी भी ये चाहते सी कि एक बार फिर मनमोहन सिंह, हरभजन मान, बाबू सिंह मान, बलदेव गिल, वो सारी टीम इकट्ठी हो कोई फिल्म बनाई जाए। जद सहमति हो गई तो फिर सब्जेक्ट मनमोहन जी जब भी कोई फिल्म बनाते हैं वह कोई साड़ी जी रोज़मर्रा की जिंदगी है जोड़े साढ़े पंजाब के उस वक्त के समय के जोड़े हालात ने उस तरह की कोई कहानी लैके हमेशा उन्होंने फिल्म बनाई है, शायद इस करके वह पहलिया पंजे फिल्म लोगों के दिलों अज भी वसिया हुई हैं और सारे बार बार देखते हैं। अज इस वक्त पंजाब के
पी आर तो वड्डा कोई सब्जेक्ट नहीं। हर परिवार, हर घर, हर पिंड, हर शहर थां थां इक्को ही बोर्ड ने इमीग्रेशन कंसल्टेंट्स ते अपना आईलेट्स दे जिहड़े सेंटर बने ने। बच्चे साढ़े हजारां की तादाद दे विच बाहरले कंट्रीज जा रहे हैं, साडा टैलेंट इत्थों दा सारा बाहर जा रहा। माँ बाप जिहड़े 15-16 साल के बच्चों को बाजार भेजण तो कितें बच्चा 2 घंटे लेट हो जाए तो मापिया नूं चैन नहीं आउंदा। जो मापे आपके 16-16 साल के बेटिया नूं बेटियां नूं बाहरले मुल्कां दे विच भेज रहे हैं। फिल्म बहुत कुछ कहती है। फिल्म यह भी दिमाग में रखते हुए जिवें सारियां फिल्मां मनमोहन सिंह दीआं हुंदीआं ने कि फिल्म बहुत हसाउंदी भी है ते अज दीआं कुछ सच्चाइयां उन्हां नूं भी टच करदी है। फिल्म तुसीं 2 घंटे की फिल्म देख के सिनेमे दे विच सिर्फ हस के नहीं आ जाओगे, तुसीं एक अच्छा सुनेहा कोई थॉट प्रोवोकिंग गल जिहड़ी नाल लैके आओगे। फिल्म दे विच साडा लोक गायकी का बादशाह और जिन्हों मैं हमेशा वड्डे भाई और संपूर्ण गायक मानता सी सुरां दा सिकंदर संदूर भाजी बहुत एक अहम किरदार कॉमेडी के रंग दे विच इस फिल्म दे विच उन्होंने निभाया। स्टार टू एंड फिल्म दे विच नजर आउणगे। बड़ा जब फिल्म असी शूट कर रहे थे मनमोहन जी कहते होंगे कि संदूर जी तुहानूं इस फिल्म तो बाद फिल्मों वाले ने डायरेक्टर ने तुहानूं टिकट नहीं देना, तुहाडी गायकी छुड़वा देनी है क्योंकि इन्ना अच्छा तुहाडा काम है, इन्नी तारीफ होनी है तुहाडे काम की एज एन एक्टर। तो पर कुदरत नूं कुछ होर मंजूर से कि इस संदूर भाजी होरां दी सिल्वर स्क्रीन पर यह लास्ट जिहड़ी फिल्म हो गुजरी। फिल्म दे विच स्टार कास्टिंग दे विच काफ़ी एक नवा पण है क्योंकि फिल्मां पंजाबी बहुत बन रही हैं ते कई बार सोतिया का होंगे कि काफ़ी चेहरे बार बार रिपीट हो रहे हैं। सो एक इस गल का भी ध्यान रखा गया। सरदूर सिकंदर जी के नाल नाल अमर नूरी जी बड़ा इन्हों का अहम किरदार है, कमलजीत सिंह, करमजीत अनमोल। तो मैनू बड़ा इस चीज़ का बड़ी खुशी है कि फिल्मी पर्दे ते पंजाबियों के दिलों के एक बहुत वड्डी ते खास थान जिन्होंने बनाई है। कमलजीत नीरू जी भी नज़र आउणगे, तुहाडे बहुत ही साडे सब दे पसंदीदे कलाकार ते अदाकार इस फिल्म दे विच साडे नाल ने। मनमोहन जी दे बहुत सारे नवे चेहरे जिहड़े पंजाबी सिनेमे नूं दित्ते, चाहे वह हीरोइनस के रूप के चाहे बहुत ज़्यादा जिहड़े साडे कमेडियन बहुत स्टार वड्डे ਉਹ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਫਿਲਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਂਜੀ ਦੀ ਫਿਲਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਟਰੋਡਿਊਸ ਹੋਏ ਸੀ। ਅਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਚਿਹਰਾ ਇੰਟਰੋਡਿਊਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਜਰਮਨੀ ਦੀ ਬੋਰਨ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਜੋ ਉਸਦੀ ਅਦਾਕਾਰੀ ਹੈ ਉਹ ਫਿਲਮ 'ਚ ਆਪ ਮੂੰਹੋਂ ਬੋਲੂਗੀ। ਅਤੇ ਦਿਲਬਰ ਆਰੀਆ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪੰਜਾਬੀ ਸਿਨੇਮੇ ਨੂੰ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਜਿਹੜੀ ਟੈਲੈਂਟਡ ਔਰ ਬੜੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਜਿਹੜੀ ਹੀਰੋਇਨ ਮਿਲਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਦਿਲਬਰ ਪੰਜਾਬੀ ਨਹੀਂ ਪਰ ਇਹਦੀ ਐਸੀ ਕਮਿਟਮੈਂਟ ਸੀ ਫਿਲਮ ਦੇ ਨਾਲ, ਐਸਾ ਫਿਲਮ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਬੰਬੇ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਚਾਰ ਬੰਗਲੋ ਏਰੀਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਬਕਾਇਦਾ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀਆਂ ਕਲਾਸਾਂ ਔਰ ਪੰਜਾਬੀ ਸਿੱਖਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ। ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ ਸਾਡੀ ਫਿਲਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਦੀ ਨੈਕਸਟ ਫਿਲਮ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਰੈਡੀ ਆ ਅਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਫਿਲਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮਾਂ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆਉ। ਨਹੀਂ ਲੇਟ ਨਹੀਂ ਫਿਲਮ ਜੀ, ਸਿਰਫ ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਕੋਵਿਡ ਜੀ 2 ਸਾਲ ਸਭ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆਰਾਮ ਕਰੋ ਜੀ, ਅਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਫਿਲਮਾਂ ਉਸ ਕਰਕੇ ਸਾਰੀਆਂ ਹੁਣ ਫਿਲਮਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸ਼ੂਟ ਹੋਈਆਂ ਪਈਆਂ ਉਹ ਆ ਰਹੀਆਂ ਜੀ। ਫਿਲਮ ਇਹ ਅਸੀਂ 2019 'ਚ ਸ਼ੂਟ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਕੁਛ 2020 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨੂੰ ਸ਼ੂਟ ਕੀਤਾ ਜੀ। ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਦੀ ਤਿਆਰੀ ਸੀ ਪਰ ਫਿਰ 2 ਸਾਲ ਮਜਬੂਰੀ ਬਸ ਫਿਲਮ ਕੋਈ ਵੀ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾਈ ਜੀ। ਅਤੇ ਸੋ ਹੁਣ ਬਿਲਕੁਲ ਰੈਡੀ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਫਰੈਸ਼ ਫਿਲਮ ਹੈ ਔਰ ਬਹੁਤ ਖੂਬਸੂਰਤ ਲੋਕੇਸ਼ਨਸ ਤੇ ਬਹੁਤ ਜੀ ਜਾਨ ਵਾਲੇ ਫਿਲਮ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਮਨਮੋਹਨ ਜੀ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਮਨ ਜੀ ਬਹੁਤ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਅਪ ਟੂ ਡੇਟ ਰੱਖਦੇ ਆ ਕਿ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ।
इस करके मैं बहुत सारिया फिल्मा मेरिया जब मैं करता सी ओदे डायलॉग या बाद च टोटल फिल्म मैं देखता सी मैं यार ये मान जी ने गल कित्थों पढ़ गई ते उमी होने के जड़े साडे राइटर फिल्म दे नाल मनमोहन जी दे नाल जड़े राइटर फिल्म दे विच स्क्रीन प्ले जिन्हां दा बलदेव गिल साहब ਉਹ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਚੰਨ ਪਰਦੇਸੀ ਲੌਂਗ ਆਪਣਾ ਬਹੁਤ ਖੂਬਸੂਰਤ ਫਿਲਮ ਜੀਆਂ ਇਹਨੂੰ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਆ ਉਹ ਪਿਛਲੇ ਚਾਰ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਕੈਨੇਡਾ ਰਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਫ਼ੀ ਸਟੂਡੈਂਟਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਮਿਲ ਕੇ ਸਾਰੀ ਸਟੱਡੀ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਨਪੁੱਟ ਹੈ ਜੀ ਇਸ ਵਿੱਚ बहुत मेहरबानी जी सरदूल भाजी ये कुदरत का इतफाक सी कि जिहड़ी फिल्म जब कंप्लीट शूटिंग होगी तो सब तो जिहड़ी पहली डबिंग सी डबिंग का काम जिहड़ा सी फिल्म का पोस्ट प्रोडक्शन च वो सारा सरदूल भाजी ने सब तो पहला उन्होंने खत्म किया पता नहीं भाजी ने शायद वो जानी जान सी कि मेरा थोड़ा टाइम बाकी है सो फिल्म दे विच उन्हां दा कोई डुप्लीकेट कोई उन्हां दी ऐसी आवाज सारा जो है वो सरदूल भाजी ने जी दूसरी जड़ी वो गल मैं जब फिल्म फाइनल हुई तब उसके बाद मैं गुरुद्वारा गई पढ़ना और लिखना सीखिए पंजाबी और पूरी ब्यास की पंजाबी में पढ़ी तो वो एक अच्छा एक्सरसाइज रहा मेरे लिए लगभग एक दो महीना लगा मुझे फिर उसके बाद अच्छे से अपने डायलॉग्स मैं प्रैक्टिस करती रही और प्रोनाउंसिएशन भी क्योंकि मैं लिखना और पढ़ना सीख लिया था तो वो जो प्रोनाउंसिएशन पंजाबी में होता है फिर वो मैं अच्छे से समझ गई फिर डायलॉग भी मेरे आसान हो गए तो अच्छे से प्रिपेयर करके फिर कोई दिक्कत नहीं हुई जब आप शूट कर रहे थे अच्छा हो बढ़िया सवाल है कैरेक्टर को फील किया है क्योंकि बहुत मैंने अपना 100% कमिटमेंट किया था कैरेक्टर के लिए जो अमृता है तो हर एक सीन को मैंने पहले से इतना उसके ऊपर काम किया फील किया जब हम फिर शूट कर रहे थे तो ऐसा लग ही नहीं रहा था कि मैं एक्ट कर रही हूँ ऐसा लग रहा था कि मैं उस किरदार में हूँ उस सिचुएशन में हूँ उस इमोशन में हूँ तो वो भी मेरे लिए बिल्कुल मुश्किल नहीं रहा मैं उसको फील कर पाई अच्छे से क्योंकि ये मन जी का जो चमत्कार होता है तो मन जी ने भी चमत्कार मैजिक जो है उन्होंने वो क्रिएट किया रहा माहौल तो उनको शुक्रिया अदा करना चाहते हैं फिल्म देखियो सारी उम्र असि ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮਿੱਟੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਕੋਈ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਲੜਕੀ ਨੂੰ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਿਸੇ ਕਦਰ ਕੀਮਤ ਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਾਡਾ ਹੀ ਉਹਦਾ ਮਰਨਾ ਗਾ ਜੀ ਅਸੀਂ ਜੇ 30 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸਾਨੂੰ ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ ਹਾਂਜੀ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਜੀ ਜੀ ਇਸ ਦੇ जी बैकग्राउंड है जर्मनी में मैंने 7 साल थिएटर किया जर्मनी में हेलो हेलो जर्मनी में मैंने 7 साल थिएटर किया है तो वहाँ से बैकग्राउंड है मेरा हाँ जी हाँ जी फिर ऑडिशन देख के मुझे ये मूवी मिली आई एम ग्रेटफुल 7 साल जर्मनी दे विच इसने दिलबर होरा ने थिएटर किया जी हाँ जी ते सो मांझी ने बकायदा ऑडिशन लेके क्योंकि लड़की का जो फिल्म के सब तो वह किसी का चैलेंजिंग रोल है तो वह अमृता जो किरदार है दिलबर ने निभाया वो है जी फिल्म के
काफी डिफरेंट काफी डिफरेंस है सुनाई दे रहा है हेलो उच्ची बोल काफी डिफरेंस है मैं जर्मनी से हूँ पर मैं पंजाब जो कल्चर है मैं वहाँ पे ऑलरेडी जानती थी क्योंकि मैं हर हफ्ता गुरुद्वारा जाती थी तो वो मेरे लिए वो कल्चर नया नहीं था बिल्कुल पर यहाँ नहीं बिल्कुल नहीं पर हमेशा कनेक्टिविटी रहा है पंजाब तो अब अभी तो पंजाबण बन गई पूरी तरह से लगना पंजाबी कल्चर इतना रिच है कि हर किसी को अपने नाल जोड़ लेता है हाँ जी बिल्कुल एकदम अभी तो मैं सोच रही हूँ यहाँ ही शिफ्ट हो मैंने सुने नहीं थे नहीं नहीं ऐसी कोई पीआर नो मैनू थोड़ा पूरा सवाल नहीं सुने पर असि पी आर रोक नहीं रहे जी ना अभी रोक सकते हैं नहीं नहीं बिल्कुल फिल्म यह नहीं कह रही कोई बाहर जावे ना जावे जी गल ये है कि साढ़ा करोड़ा रुपया पंजाब का इंडिया का मैं कल हरियाणा सी ईवन हरियाणा दे विच भी शॉकिंग आ के पंजाब वांगू एक उत्थे भी दौड़ लगी हुई है जी बच्चों की बाहर जाण दी बहुत चंगे लोग जिहड़े चंगी रोटी इत्थे खांदे वधिया सैटल ने वह भी बच्चे बाहर जाना जी है ना जी वह बच्चे खास तौर पर जिहड़े 16-16 सालों के हुण जा रहे आ प्लस टू तो बाद सारे कॉलेज साढ़े इत्थे खाली हो रहे आ स्टूडेंट नहीं मिल रहे कॉलेजां नूं पर उत्थे की जाके किस तरह रह रहे की फेस कर रहे आ सो बच्चे जाके उत्थे उन्होंने चैलेंजेस की आ की मानसिक परेशानियों के पिछों बच्चे लंघ रहे है एक 16 साल का बच्चा एक नवे शहर च जाके उत्थे कुल च जांदा उत्थे तो हुण सारा इत्थे एक रोटी चुक के सिर बुरकी मूँह च पाउणी है बाकी सब कुछ घर दे सब कुछ आला दुआला तुहाडा कर रहा उत्थे जाके बिल्कुल तुसीं अपने आप चो सब कुछ आप करना तो बच्चे कई बहुत गलत पैथ भी लै रहे है जी तो मैनूं लगता कि गल्लां असी उपदेश नहीं देना कि तुसी कित्थे जो जी करदा सारा करो तुसी पर थोड़ा जिहा असी एक लोकां नूं कितना कितने उस गल नूं छोह दा सकदे हां ना कोई ऐसी उन्होंने बच्चे जिहड़ी पनीरी ने इत्थों जाना जिहड़े मापिआं ने भेजणे आ कि थोड़ा जिहा असलीयत दे नेड़े तां आईए ना असी गाणी सारी अखां ते गाउंदे मर गए भी गल ही अख नाल अख बस सही तरीके नाल लड़ जाए गल खत्म चल बड़ी मेहरबानी जी थोड़ी थैंक यू सो मच और थोड़ी मेहरबानी मैं जिथे जिथे गया मेरी फिल्म की सुरखी घट बनी तो भगवंत मान मुख्यमंत्री की सुरखी वध बनी भी भजन मान ने की किया धन्यवाद तुम इस बारे सवाल कोई नहीं पूछा